हेलो, कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया, स्वस्थ, मज़े में होंगे भाई की तरह। तो दोस्तों, अभी आपका भाई FRS में ही बैठा था, तो अभी नेट का वक्त वक्त है, और अभी अपन फोटो जोन के कैंपस में। ये आपको मैंने बताया था पिछले वाले ब्लॉग में कि आज रात अपने भाई का यही नेट स्टे है, तो आपको दिखाता हूँ आगे वाले कैमरे से। और अभी हल्की हल्की शाम हो गई है, तो मूवमेंट बनने वाली है अपनी, यानी तो आपको आगे से दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से। आज आपका भाई इधर ही सोएगा, और फिर कल रहेगी अपनी सफारी। आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा दोस्तों कि अपन को इस टाइप की सफारी हुई। और ये देखिए, नेट का माहौल ऐसा है, फोटो जोन। इधर देखो, पूरा खतरनाक हो रहा है, ये अभी ठंडा माहौल है पूरा। अभी पहले जब अभी शाम को यहाँ देखेंगे पहले कैसा माहौल है, अगर लगेगा कि हाँ टाइगर ने कोई किल किया है, तो पहले सबसे पहले मालकुंड वाला वाटरफॉल चेक करेंगे, उसके बाद पिंक, फिर जाएंगे ग्रीन पे। और हम ग्रीन पे जाएंगे थोड़ा लेट, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ एलिफेंट अगर आ गया तो गाड़ी मोड़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, है नहीं? और आज पूरा पैक है फाटो जोन। आपके भाई का वन नाइट स्टे है यहाँ, आज रात है आपका भाई, कल अपनी एक सुबह सफारी और रहेगी ज़बरदस्त वाली, तो वो देखना आप। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम आपके लिए वाइल्ड लाइफ की डेली न्यू न्यू वीडियो लाते रहते हैं। अभी कोई बाहर नहीं है, सिर्फ सिर्फ मैं ही हूँ बाहर। अभी उधर से वो जिप्सी वाले भैया हैं जो जीप लेके आए हैं, वो लोग बैठे हैं आपसी में बात कर रहे हैं। अभी जितना अंधेरा होगा ना उतना क्राउड होगा, अभी इतना हल्ला गुल्ला जानवरों का, डियर सांबा डियर कॉल, स्पॉटेड डियर कॉल, देखना आप। अभी थोड़ी देर बाद, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:30, 8 8:30 भी, फिर देखना क्या माहौल रहता है पूरे जंगल का। जो मैं बता रहा था ना कि कैंपस वाली फीमेल, उसकी तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। यह है, ये देखिए, यह है कैंपस वाली फीमेल जिसकी मैं बात कर रहा था। ये इधर ही क्रॉस होती है, इधर ही पूरी क्रॉस होती है। एनिमल सब एकदम बाहर ही आएगा, अभी रात को टाइगर एकदम रोड में चल रहा होगा, असली मौसम रात को बनता है सब। अब माहौल शांत हो गया यार, अभी एक कॉल हुई उसके बाद कॉल ही नहीं हुई यार। अभी बनेगा माहौल, अभी बनेगा, थोड़ी देर बाद और दिखाता हूँ आपको। जंगल है दोस्तों, कहीं से भी एकदम आवाज़ आ सकती है। और देखो एकदम सोलर फंक्शन किए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है नाइट का। ये है फोटो जोन, ये बढ़िया। इधर आवाज़ आ रही है, जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है 10:30, ये रात के 10:30 हो रहे हैं, और ये है फाटो का नज़ारा। अभी पूरा शांत है, अभी हल्के उधर को एक बार, जब मैंने पिछले उसमें थोड़े टाइम पहले बताया था कि उधर सांबा डियर कॉल हुई थी अलार्म को, जो कि 100% श्योर रहती है,
है नी। तो उधर हुई थी बड़ी खतरनाक सी। दोस्तों ये हैं देखिए वो टॉकी चिकी, मैं बात बता रहा था, एकदम चौकन्ने रहते हैं, खुशबू सूंघ लेते हैं हवा में, इनको सब पता है कब आएगा टाइगर, सब पता रहता है इनको। ये आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कितने छोटे थे। क्यों डर के मारे भाग रहा है क्यों वो। सुनील भाई, क्यों क्या नाम है, सूरज भाई, जी सही कह रहा हूँ ना, हाँ, एकदम चौकन्ने रहते हैं। चौकन्ने रहते हैं, कोई भी जा रहा हो तो तुरंत जो है इनको दौड़ा दे। हाँ एकदम हाँ हवा में स्मेल सूंघ लेते हैं। हाँ है नहीं, ये इसकी मम्मी है। खाना खा लिया दीदी, खाना खा लिया इन्होंने। खाना दे रहा हूँ। अच्छा दे देना इनको यार, है नहीं, अभी शांत है दोस्तों, मोहन आराम से खा रहे हैं माँ बेटे, कोई हलचल नहीं है अभी, शांत है पूरा जंगल। तो भाई मेरे पूरा जंगल शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है तुम्हारा भाई, अभी इधर ही है कैंपस के बाहर से ही। तो अब दोस्तों सोते हैं, 10:35 हो गए हैं, यानी तो सोते हैं अब, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अब सुबह देखेंगे, सुबह चलेंगे अपनी सफारी में, फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो अब गुड नाइट भाई मेरे, रात का टाइम है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, आपको दिखाता हूँ अभी बाहर को, 3 बजा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों तूफान आ गया है, बहुत सडनली ये देखो, बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है बाहर से, अब आप देखिए आप, बहुत जोर जोर से तूफान हो रहा है, इस तूफान में तो सफारी वेस्ट हो गई दोस्तों, क्या करें। ये देखो भाई, क्या यार, ये देखो बड़े तेज़ी से हो गई बारिश दोस्तों, बहुत स्पीड से बारिश हो रही है अभी, सुबह का वक्त है, मूड ख़राब हो गया भाई लोगों, तो कितनी तेज़ बारिश आ रही है बाहर, ये अब बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अभी बारिश आ गई है, पूरा माहौल पूरा एकदम, जो रात रात को सुबह सुबह बनता वो अभी नहीं बन पाएगा, अब बारिश आ गई आ रही है, मूड ख़राब कर दिया देखो इसने। कोई नहीं, अगर रुक गए तो अभी है नहीं, पूरा माहौल ख़राब हो गया यार, बारिश ने बहुत माहौल ख़राब कर दिया, बहुत तेज़ से तूफान भी आ रहा था अभी, इतनी जोर से आ रहा था जैसे कि क्या जो हो रहा है बाहर। ये चलते अभी अंदर की ओर। दोस्तों मैं दीपक जिम कॉर्बेट से भाई, तो दोस्तों फिर से अपनी सफारी चालू, तो अपन निकलते हैं बिना कोई देरी के, और पहले चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं, ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको अपने अंदाजे से चेक कर। दोस्तों चाय पीते हैं फिर निकलते हैं अपनी सफारी की ओर, और होने वाला है टाइम बस भाई, चाय पी ली है और अपनी गाड़ी भी चालू हो गई आगे से, और निकलते हैं और दिखाते हैं आपको जंगल। और दोस्तों देखा होगा आपने कल रात बारिश बहुत तेज़ी से हुई थी, है नहीं, तो बारिश में साइटिंग बहुत कम होती है, रियल होती है बहुत, देखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एनिमल एकदम अंदर ही रहता है, बाहर ओपन में नहीं आता है, तो देखते हैं क्या होता है नहीं, ये माहौल बन जाए। तो वैसे जब सुबह सुबह से बारिश हो रही थी उसके बाद से एक कॉल हुई थी, शाम भर कॉल हुई थी, तो अभी देखते हैं इधर कोई सेटिंग वेटिंग हो जाए अपन को ना,
तो आप बने रहना ब्लॉग में, तो चलते बिना कोई देरी के आगे से। तो ये है पंकज जी, पंकजा क्या होगा अभी, कल रात तो बारिश हुई है तकड़ी वाली, बहुत बारिश हुई है। देखो बारिश में टाइगर निकलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी आगे। हाँ कोशिश पूरी है, बारिश नहीं होती तो हम 5 बजे निकल जाते। बिल्कुल बिल्कुल, सभी गाड़ियाँ अभी यहीं खड़ी है दोस्तों, देख लिए आप ये, अभी सभी गाड़ी लगभग खड़ी है, फिर भी कोशिश करेंगे अपन ना। हाँ तो चलते बिना कोई देर। तो अभी थोड़ी गाड़ी गर्म हो रही है, स्टार्ट करी है उन्होंने, ठंडी पड़ी है गाड़ी, तो थोड़ा अपन सुबह सुबह घूम लेंगे, यानी अभी सुबह सुबह का माहौल ऐसा है फाटो सुनने। कल बारिश हुई ना बहुत खतरनाक, मौसम देखो बादल लगे हैं। दोस्तों आपको इस व्लॉग में सब नेचुरल दिखेगा, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कोई विदाउट। मैं रात को मैंने व्लॉग भी शूट इसलिए किया, पहले मैंने बोला कि अपने ऑडियंस को दिखा देते हैं कि बारिश हो रही है दोस्तों, है नहीं। अब टाइगर दिखना ना दिखना वो तो बाई लक है, पर भी कोशिश पूरी करेंगे कि कुछ दिखे, है नहीं। अब सभी लोग निकलने लग गए हैं दोस्तों, क्योंकि अब टाइम हो गया है ना। अच्छा बाबा ठीक है, लेते हैं भगवान का नाम, जय श्री राम। तो चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है वाटर जोन। तो अपन पहले कहाँ को जाएंगे? ग्रीन को, पिंक को। हाँ ठीक हो गया, ग्रीन से बताओ। हाँ ठीक, ठीक हो गया। और शुरुआत हुई है हमारी स्पोर्टेड डियर से। गुड मॉर्निंग, दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पिंक वाटर हॉल, और वहां से होते हुए ग्रीन को भी उगाएंगे। ये ग्रीन वाटर हॉल है, अभी ये सुनसान है, यहाँ एक जिप्सी रुकी है, देखते हैं हम इधर वेट करते हैं। दोस्तों काफी सारा देर करने के बाद इधर भी कोई मूवमेंट नहीं रही, अब चलते हैं फिर आगे। अभी तो नहीं है, अंदर बैठे हैं, अंदर ही है अंदर।
कोई मोमेंट हो गया था। अब आ गए हम टाइगर क्रॉसिंग एरिया, इधर से टाइगर क्रॉस करना है। ये सामने से लग को जाता है अभी। अब कोई फुटप्रिंट भी नहीं लगे अभी तो। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों, इधर भी वेट करा कोई। ये देखिए रास्ता सिंगल वे है। अभी तक कोई फुटप्रिंट नहीं दिखे हमको। डियर और मंकी सब साथ में ही है। अगर कोई देखो मंकी मिले ना सर, देखो मंकी और स्पॉटेड डियर की तो एकदम पक्की वाली दोस्ती होती है, एकदम पक्के फ्रेंड है। इसके एंट्री वाले है ये बहुत पुराने हैं। इसके वाले देखो, हाँ ये पुराने हैं, ये नए हैं शायद। ये भी पुराने ही है। ये है मेल स्पॉटेड डियर। ये बच्चे दिख रहे हैं, वो पूरा हट जा रहा हूँ अंदर। और ये सब मेल ही है पूरे। चलो चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ से मौसम कितना प्यारा हो रहा है, ये देखिए। आराम से आराम से। आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी, ये हमको जो टाइगर के पग मार के दिखे थे ना, वो इधर ही दिखे थे। अब उसके ऊपर गाड़ियां चल रही है, बारिश भी हुई है ना, उससे भी ढक गया वो, एकदम बंद हो गया। अब आ गए हम रास्ते पे। टाइगर है, गॉड गिफ्ट है ये टाइगर। अब चलते हैं आगे की ओर। कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। लेफ्टिस भी एकदम क्लियर, लेफ्टिस भी क्लियर है। अब सीधे चलते हैं मालकुंड में। अब हम आ गए हैं मारपुर में। मोर
माल ठंडा है अभी। इधर माल पंप पे भी चक रहा है दोस्तों, लेकिन उधर भी कोई मूवमेंट नहीं रही। देखिए दिख रहा है ना एलिफेंट, ये जा रहा है एलिफेंट, देखो बोलो आ रहा है, आ रहा है इधर को, मुंह कर दिया उसने। बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, ये जा रहा है ना अंदर एलिफेंट। गया मंगूस, मंगूस मंगूस गया भाई। और तीन तीन चार दोस्तों, मौसम खुलने वाला है। यहाँ से वहाँ की दूरी बहुत है ना यार, यह वो वहीं पर है, मैं बोल तो रहा हूँ आएंगे जरूर। ये एलिफेंट यहीं पे है अभी, मौसम भी खुल गया है दोस्तों। दोस्तों काफी वेट करा है इधर भी लेफ्टिस्ट पे, लेकिन एलिफेंट साइटिंग देखने को मिली है। सुबह सुबह गजराज जी के दर्शन हो गए। तो जिनको दिखा वो इसके वाले थे, वाले डिविजिड थे। अभी कैंपस में आ गए हैं, फिर भी थोड़ी देर बाद निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? तो आप बने हैं ना ग्राउंड में। गुड मॉर्निंग सूरज भैया, आप भी बढ़िया? और ठीक, टाइगर देखा? अरे टाइगर क्या, एलिफेंट दिखा है। अच्छा हाँ जी, टाइगर अब दिखेगा थोड़ी देर बाद। अच्छा हाँ, चलो सूरज भैया ने बोल दिया दोस्तों, अब दिखी जाएगा टाइगर, है दिखेगा। ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। दोस्तों आप चलते हैं सीधे, अपनी गाड़ी फिर से लग गई है और निकलते हैं अपनी सफारी में, है नी? निकल गए हैं दोबारा से सफारी। किधर को चलना है? मोटर रोको, मोटर रोको, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं पिंक वाटर होल। ये देखिए इधर भी कोई मूवमेंट नहीं है। अब चलते हैं सीधे सामने वॉटर टावर की ओर। अब अभी हम आ गए हैं वॉटर टावर पे मचान। आज पूरा जंगल शांत है क्योंकि कल रात बारिश हुई है ना। अभी आ गए हम ग्रीन पे। पूरा जंगल छान गया दोस्तों, कोई मूवमेंट नहीं मिली है। पिंक भी देख के आ गए, ग्रीन पे भी देख के आ गए। अब अभी आगे जिप्सी यहाँ खड़ी है, ये देखिए क्या बताए, इधर मॉल बन जाए। करते
करते हैं वेट आधा घंटा और हमारे पास। भाई अभी इधर कर रहे हैं वेट, देखिए सामने से भी जिप्सियां हैं इधर, और वेट कर रहे हैं काफी सारी जिप्सियां हैं। भाई आ गए अपने कैंपस में। कल रात उतना ख़ास माहौल बना नहीं जैसे मैंने सोचा था। मैंने सोचा कल रात बनेगा माहौल, कॉलिंग होगी जैसे पिछली बार हुई थी, लेकिन कोई नहीं हुई थी, बस एक सांबर कॉल हुई थी। लेकिन अभी पहले जी वाले बता रहे थे कि सुबह सुबह टाइगर निकला है, वो जब बारिश हल्की बंद हुई होगी वो तब निकला है। फुटप्रिंट दिख रहे थे ना, फुटप्रिंट से पता चला, देखा तो किसी ने नहीं लेकिन फुटप्रिंट से ही पता कर रहे थे लोग, क्योंकि आज की जितनी भी सवारी हुई आज किसी को कोई भी नहीं दिखा, ना टाइगर दिखा। भी सबसे मालूम करा रास्ते में जो जो मिल रहे थे कि दिखा नहीं दिखा कुछ, तो सभी लगभग लोग यही कह रहे थे कि कुछ नहीं दिखा है। स्लॉट बियर की बात कर रहे थे, एक को स्लॉट बियर दिखा है यहाँ, तो हम भी गए थे। तो वो तो क्या होता है ना, स्लॉट बियर पर एक झटके का काम होता है सेकेंडों का, अगर रास्ते पे आ गया तो दिख जाता है। उसकी ना कोई सेटिंग ना कुछ, उसकी ना कोई कॉलिंग, वो सीधे रैंडमली सीधा आता है रास्ते पे, फिर दिखता ही नहीं है। और अब चेकआउट होने का टाइम हो गया अपना, लेते हैं चेकआउट और चलते हैं अपने सीधे घर की ओर। आपको मैंने पिछले वाले व्लॉग में पूरा फाटो का रिव्यू करा दिया था, इस बार भी कुछ इस तरीके से देख लीजिए। वही टाइम है जिस टाइम पे मैं अभी आया था यहाँ। अब इसी टाइम पे वापसी भी जा रहे हैं घर को, है दोबारा से दिखा देता हूँ आपको अंदर से। ये यही टाइगर है वो जो ग्रीन वाटर हॉल में बैठती है, यह है कैंपस वाली फीमेल जिसके बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। यह है पिंक वाटर हॉल, ये पिंक वाटर हॉल मेरा सबसे फेवरेट है, ये दिखती है सबसे ज़्यादा वहाँ, मैंने तो यही देखी है अभी तक फोटो में। इसका नाम भी जान लेते हैं क्या है, टीना, इसका नाम है टीना। टीना वो हमने बहुत बार देख लिया वहाँ। आने वाले 2-3 महीने में एकदम फाटो चमक जैसा आएगा। 2-1 महीने में आपको यह ट्री हाउस भी दिख जाएगा, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ भी। और यह ट्री हाउस देखो, ये तो अलग ही लगता है, खतरनाक है। इसकी डिमांड बहुत है यहाँ। ये तो वन विभागों की चौकी है, फॉरेस्ट वालों के है ना, यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की चौकी है सबकी। और इधर ही है गेस्ट, जो भी हम लोग आते हैं इधर ही रहेंगे अपना, इधर जाने का काम नहीं है क्योंकि इधर है नहीं कुछ, सब तो इधर ही है। ये माहौल ठंडा हो गया अभी, आज जब से बारिश आई है ना तब से पूरा माहौल ठंडा है, कुछ भी नहीं दिखा। एक डियर दिखा, एलिफेंट दिखा, एलिफेंटों का ग्रुप था वो बता रहे थे कि कल शाम को भी देखे थे एलिफेंट, लेकिन हमने तो कल शाम को देखा नहीं लेकिन आज दिख गया। कल एक भैया और थे, उनको उन्होंने बताया कि हमको दिखा था एलिफेंट, वही एलिफेंट आज हमको लेफ्ट ईस्ट पे भी दिख गए थे, लेकिन थोड़े दूर थे लेकिन देखे है नहीं। अभी देखो ये काम चल रहा है, अभी इधर भी काम चल ही रहा है, ये वाला हट बनी रहा है, सब बुक हैं आज। अभी चेकआउट होएंगे, आज तो उतना पैक नहीं है जितना कल था ना, कल पूरा ही पैक था। और आज अपन लोग सब जा रहे हैं
आएंगे जल्दी दोबारा से। ये अभी काम चल रहा है इधर, अभी इधर भी काम चल रहा है। ये अब आओ एकदम निश्चिंत होके यहाँ पार्ट ऑफ जोन में रह सकते हैं एकदम। रात को जंगल में रहने का अलग ही मज़ा है, आसानी से रूम मिल जाएगा आपको। अब चलता हूँ अपने रूम पे, बैग पैक करता हूँ ना अपना, है नहीं, फिर निकलते हैं घर की ओर। यहाँ क्या है ना, एक नेटवर्क नहीं है, वैसे ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर लेना चाहिए लाइफ का ना। एक दिन नेटवर्क ना हो फ़ोन में और यहाँ आ जाओ, एकदम सुकून से रहो, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई कॉल ना कोई एसएमएस। और सूरज भैया कर रहे हैं नाश्ता, क्या खा रहे हो सूरज भाई? ये आलू के पराठे हैं मक्खन लगा के। अरे भाई मेरे रहते हैं। अरे रात को वही सेवा किया जाएगी। अरे किया जाएगा, आप आनंद लीजिए। ठीक है, गरम पराठे। अरे भाई ठीक हो गया, सूरज भाई पराठे खा रहे हैं, अभी सूरज भाई को खाने देते हैं नहीं, क्योंकि सूरज भाई सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। और पंकज दा भी रेडी हो गए। पंकज दा रेडी हो, चला जाए फिर घर को। क्या ऐसी रहा आज का माहौल? है माहौल ठंडा रहा, खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, लेकिन अच्छी सवारी कराई पंकज ने हमारे साथ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब बैग पैक करता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर लेते हैं अपना चेकआउट। ठीक है, निकल गए हैं कैंपस से अपने घर की ओर, और थोड़ा सा एक मालगुंड वो आते हैं, है नी, क्या पता दिख जाए कुछ। अब सब जिप्सियाँ बाहर चली गई, अपना चेकआउट हो गया है, और देखते हैं लास्ट राउंड पड़ जाएगा अपना, और देखते हैं आगे की और क्या दिखता है। दोस्तों वेरी क्रेजी मूवमेंट, वेरी क्रेजी मूवमेंट, एलिफेंट तस्कर है, बोले तो भाई मेरे तस्कर है, तस्कर ओ भाई मेरे चिल्लाने नहीं बोला ना, चिल्लाने नहीं, पीछे पड़ा देख रहे हो ना गाड़ी के, ओ भाई मेरे वेरी क्रेजी मूवमेंट तस्कर है। कुछ नहीं करते हैं ना? नहीं, बहुत डेंजरस होता है ये तो, जाने दो। इसके लिए ये गाड़ी फुटबॉल है मैडम, ये भी देखो साइड बहुत बढ़िया चल रहा है। ओ भाई मेरे कुछ नहीं करे, क्यों नहीं करे, कनेक्ट करेगा तो फिर उसकी गाड़ी स्टार्ट हो भगा दूंगा। और टिकट डाउन ये देखो भागेगा ना, चल एलिफेंट दोस्तों, गजराज जी के दर्शन। भाई 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 मजा आ गया दोस्तों, जाते जाते कुछ दिखा। ठीक है देखो वो भी बोल रहे हैं चलो, आपने मीटर बंद कर दिया। सुईया कम ऑन प्लीज, टेक फोटोज। പിന്നെ
तेल की सेटिंग दी है दोस्तों एलिफेंट ने, बहुत खतरनाक। मैं तुमसे क्या कहा, हाथी है, मेरे को रेंजर साहब ने बता दिया था। हाँ जी, उन्होंने बताया गार्ड ने मुझे, ठीक है हाथी है, मालकुंड में तुम चले आओ। ठीक है, बहुत देख लिया गजराज जी, बाय बाय, थैंक यू। चलो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, बहुत बढ़िया रहा जी। दोस्तों जा रहे थे मालकुंड लेकिन दिख गया है कि पंकज भाई, बहुत बढ़िया। हाँ पंकज भाई ने चलो एलिफेंट दिखा दिया यार। हाँ जी, हमारी गाड़ी है। ठीक है, अब हमारी गाड़ी अब तो चला गया इनको, हमने भी बहुत मिस करा ना। हाँ जी, हमने भी बहुत सारे मिस कर लिए। तो अभी हम ग्रीन वाटर हॉल के उधर को चल रहे हैं। ग्रीन वाटर हॉल देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अब सब जिप्सियाँ बाहर है ना, सेटिंग अब देखने को मिल सकती है। तो स्टंप पे हमको मंगूस भी दिखा था, मैं बोला ना कि इसका दिखना शुभ, तो अच्छे से एकदम एलिफेंट दिख गए। उस टाइम पे तो थोड़े दूर थे लेकिन अब थोड़े अच्छे से देखे। आप इधर देखते हैं कि इधर कोई मूवमेंट बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए कछुआ, इधर भी माहौल शांत है दोस्तों। चलते हैं अब पिंक के उधर, ये ग्रीन है, अब चल रहे पिंक वाटर होल। ये देखिए अभी यहाँ भी माहौल ठंडा है, कोई हलचल नहीं इधर। दोस्तों इधर भी चेक कर लिया है लेकिन यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं है। दोस्तों अभी हम ये मोटर मारो वाली रोड में हैं और इधर कर रहे हैं अपनी पोच, वहीं से एग्जिट भी होंगे हम। दोस्तों हमारा गेट आ गया है और आज की सफारी अपनी यहीं ख़त्म होती है। ये सामने से है गेट वाटर जोन। भाई इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को कर देना लाइक, एंड आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय पंकज जी।